हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आज का पार्ट थोड़ा छोटा बना पाई हूँ क्योंकि मेरे घर पे थोड़े से मेहमान आ गए थे, तो सॉरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वांग जी बेहोश था, पर अचानक से उसकी आँख खुल गई। उसे देख कर वेंग की जान में जान आ जाती है। वांग जी वेंग की गर्दन पर विलो फ्लावर का निशान देख लेता है, पर इस सब के बावजूद वांग जी के दिल में वेंग के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। वो आज भी अभी भी वेंग से उतना ही प्यार करता था और वो किसी भी हाल में वेंग को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। वेंग अपनी रोब्स पहन रहा होता है, तभी वांग जी पीछे से उसे गले लगा लेता है। वेंग ये देखकर चौंक जाता है, तभी वांग जी उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, वेंग तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, मुझसे वादा करो। ये सुनकर वेंग धीरे से स्माइल करता है और कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हो गया है, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है, कुछ नहीं वेंग, वो बस मैं। तभी वेंग वांग जी की तरफ मुड़ता है और उसके गले से लग जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो वांग जी, तुम्हारा वेंग ऐसा कभी नहीं करेगा और ना ही तो कभी ऐसा होने देगा। और ये जो तुमने मेरी बॉडी पर इतने सारे निशान बना रखे हैं, अब मैं इनका क्या करूं, कोई मुझसे पूछेगा, कोई मुझे टीस करेगा तो मैं क्या कहूंगा। ये सुनकर वांग जी उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, जिसको जो कहना है कहने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वेंग और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद तैयार होकर वो दोनों लाशिरन से मिलने के लिए चले जाते हैं। वेंग को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि ये पहला मौका था जब वो विंग क्लैन के हेड से डायरेक्ट मिलेगा। उस दिन जब वेंग को सज़ा दी गई थी तो लाशिरन भी वहाँ मौजूद थे, पर वेंग की ऐसी हालत नहीं थी कि वो सही से किसी को देख पाए। कुछ देर बाद वांग जी और वेंग पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शिचेन, लाशिरन, ली जुआन, ली शिन और विंग जू उनका वेट कर रहे थे। ली जुआन जब वांग जी को वेंग का हाथ पकड़े हुए देखती है तो उसका गुस्सा और जलन तो बिल्कुल आसमान पर ही पहुंच गई थी, पर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। वेंग और वांग जी लाशिरन और शिचेन के सामने बो डाउन करते हैं। मिंग जू धीरे से लीशिन से कहती है कि बड़े भाई और भाभी की जोड़ी कितनी अच्छी है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वेंग को वांग जी की वाइफ बताया था, इसलिए उसके लिए मुझे भाभी वर्ड ही अच्छा लगा है। अगर आपको या किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मिंगजू कहती है, लीशिन हमारी भी जोड़ी ऐसी ही लगेगी ना। लीशिन को आज घबराहट तो हो रही थी क्योंकि विंग क्लैन के इतने सारे लोग जो मौजूद थे, पर वो मिंगजू के बगल से हटा नहीं, वो उसके साथ में ही खड़ा रहा। लाशिरन कहते हैं, वांग जी आज तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया। वो विंग की तरफ तो देख ही नहीं रहे थे। वांग जी कुछ नहीं कहता। तभी शिचेन कहता है, वांग जी आज वेंग का, मेरा मतलब तुम्हारी वाइफ का पहला दिन है, पूरा ध्यान रखना कि वेंग को किसी भी तरह की हमारे यहाँ प्रॉब्लम ना हो। ली जुआन को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, जलन हो रही थी उसे, क्योंकि जहाँ आज उसे खड़ा होना चाहिए था वहाँ पर आज वेंग खड़ा हुआ था। तभी वो कहती है, मास्टर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं वेंग को वेंग क्लैन के पैलेस में घुमा सकती हूँ। वांग जी सुनते ही कहता है, नहीं मैं खुद से वेंग को पैलेस दिखा दूंगा, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी बहुत अच्छे से ली जुआन को जानता था कि वो कि ना किसी तरह से वेंग को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, और कहीं गलती से उसने वेंग के गर्दन पर डिमन क्लैन का निशान देख लिया तो ना जाने वेंग के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर देगी वो। लाशिरन चौंक जाते हैं क्योंकि आज से पहले वांग जी ने उनके सामने ऐसे किसी से भी बात नहीं करी थी और ना ही तो किसी को ऐसे जवाब दिया था। विंग जू और लीशिन बहुत खुश थे वांग जी ने जब ली जुआन को ऐसे जवाब दिया था। लाशिरन समझ गए थे कि माहौल बहुत गर्म हो गया है, इसलिए वो कहते हैं, अरे हम सब तो बातों में ही उलझ गए, वेंग से तो हमने पूछा ही नहीं कि उसे यहाँ पैलेस में आज कैसा लग रहा है। वेंग तो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। पहले तो वो लाशिरन और शिचेन को बो करता है और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ पैलेस में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लाशिरन कहते हैं, लेकिन क्या। तभी अचानक से वेंग की गर्दन में बहुत तेज पेन होता है,
वो पहले तो बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, पर वो पेन इतना असहनीय था कि वेंग लड़खड़ा जाता है। उसका सिर घूम रहा था। वांग जी ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है। वो वेंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वेंग की बॉडी से एक ऊर्जा निकलती है जिसकी वजह से वांग जी वेंग को छू तक नहीं पाता। पर किस्मत से वो ऊर्जा सिर्फ वांग जी ही देख पाया था। वेंग ज़मीन पर गिर जाता है। वांग जी जल्दी से वेंग के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, पर वो चौंक जाता है क्योंकि वेंग की आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। मिंग जू लिशियन से कहती है, ये भाभी को क्या हो गया है? वांग जी नहीं चाहता था कि वेंग को कोई भी ऐसे हाल में देखे। वो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, बड़े भाई और अंकल, मैं वेंग को रूम में लेकर जा रहा हूँ, सॉरी, हम बात की बातें बाद में करेंगे। इधर डीमन क्लैन में वेन रोहान अभी तक न जाने कितने लोगों की जान ले चुका था, क्योंकि उसे डीमन क्लैन के किंग का पता ही नहीं चल रहा था। तभी एक सोल्जर वहाँ भागते हुए आता है और कहता है, हमें डीमन क्लैन के होने वाले किंग का शायद पता चल गया है। वो ह्यूमन क्लैन में जियांग फैमिली के घर में रह रहे थे, पर इस वक्त कहाँ है ये पता नहीं। ये सुनते ही वेन रोहान कहता है, क्या कहा तुमने? डीमन किंग इतने टाइम से ह्यूमन क्लैन में थे और हमें पता तक नहीं चला। तभी वो सोल्जर कहता है, मास्टर, ऐसा इसलिए था क्योंकि डीमन किंग के पेरेंट्स ने उनकी बॉडी पर जो विलो फ्लावर था उसकी ऑरा को क्लोज कर दिया था, पर पता नहीं कैसे अब वो सिंबल फिर से एक्टिवेट हो गया है। वेन रोहान कहता है कि हमें तुरंत जियांग फेंग मियान के यहाँ जाना होगा, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इधर वांग जी वेंग को अपनी बाहों में उठाए हुए तेज़ कदमों के साथ रूम की तरफ ले जा रहा होता है। उसका दिल बेचैन था कि क्या हो गया था वेंग को, क्या ये उस सिंबल की वजह से हो रहा था, उस विलो फ्लावर की वजह से ये सब हो रहा था। वेंग का सिर घूम रहा था, पर उसे इतना तो पता ही था कि वो वांग जी की गोद में है। वो प्यार से वांग जी के फेस को टच करता है। तभी वांग जी कहता है, वेंग, हम बस रूम में पहुँचने ही वाले हैं। वांग जी जल्दी से वेंग को बेड पर लिटा देता है और उससे कहता है, वेंग, तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? वेंग अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी, मेरे अक्सर इस जगह पर बहुत पेन होता है, पर पता नहीं क्यों। ये सुनकर वांग जी वेंग का हाथ उठाता है और उसकी गर्दन पर विलो फ्लावर का जहाँ निशान था उस पर हाथ रखता है। जब वांग जी उसे टच करता है तो वो देखता है कि गर्दन का वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। वांग जी वेंग को अपने गले से लगा लेता है। ली जुआन को डाउट हो रहा था, कोई ना कोई वजह तो है जो वेंग को अचानक से ये सब हुआ, पर क्या वो कोई बात छुपा रहा है सबसे? उसे तो बस एक मौका चाहिए था वेंग को पैलेस से निकलवाने का। अगला दिन आया, न जाने क्यों रात भर वेंग को नींद नहीं आई थी, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ गया था। पर वेंग ने वांग जी को नहीं उठाया क्योंकि वांग जी कल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वेंग की ऐसी हालत देखकर, तो वेंग सोच रहा था कि थोड़ी देर वांग जी आराम कर ले। वो रूम का दरवाज़ा ओपन करके पैरिस में इधर उधर घूमने लगता है। वेंग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने दो सर्वेंट्स को बात करते हुए सुना, जिनमें से एक कह रहा होता है कि सेकेंड प्रिंस को कितनी तकलीफ़ होगी ना, वो कितने दर्द में रहते हैं, उन्हें उस दिन 100 कोड़े मारे गए थे, पता नहीं उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया, आज तक जिसको भी ऐसी सज़ा दी गई वो ज़िंदा नहीं बचा, भले ही वो किसी को दिखाते ना हो पर उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, उनकी तो पावर्स भी ले ली गई हैं। तभी दूसरा सर्वेंट कहता है, उनकी वाइफ को तो पता ही नहीं होगा कि उनके लिए ही सेकंड प्रिंस को ये सब फेस करना पड़ा था। तो पहला सर्वेंट कहता है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि सेकेंड प्रिंस अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। वेंग तो शॉक्ड हो गया था ये सब सुनकर। वांग जी ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, पर क्यों, क्या वो इस काबिल नहीं था? क्यों नहीं बताई वांग जी ने उससे? उसकी आंखें भर आई थी। तभी वहाँ ली जुआन आ जाती है और वेंग से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेंग कुछ कहने वाला था कि तभी ली जुआन उसके नज़दीक आ जाती है और कहती है, वेंग, शायद आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ, सेकेंड प्रिंस की पावर्स आज उनके पास नहीं है, वो स्पिरिचुअली और फिज़िकली कमज़ोर हो चुके हैं, सिर्फ तुम्हारे, ओह सॉरी, आपकी वजह से। सेकंड प्रिंस की मुझसे शादी होने वाली थी पर आपकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। वेंग कहता है, ये सब झूठ है,
वांग जी सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है। तो ली जुआन कहती है, अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये बात कैसे पता कि उनके राइट कंधे पर एक तिल का निशान है। वेंग सुनकर चौंक जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी ली जुआन उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, मैंने अभी अपनी पूरी बात तो कही नहीं है। तभी उसे वेंग की गर्दन पर वो निशान हल्का सा दिखने लगता है। ली जुआन उसे देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो तो इसलिए आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, मैं सेकंड प्रिंस की वाइफ हूँ। ये कहकर वेंग वहाँ से जाने लगता है। उसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका वांग जी उसके अलावा किसी और से प्यार कर सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पर ली जुआन को कैसे पता कि वांग जी के राइट कंधे पर एक तिल का निशान है। इसी उधेड़ बुन में वेंग चलता चला जा रहा था, तभी वो लीशिन से टकरा जाता है। मिंगजो भी उसके साथी थी। मिंगजो कहती है, भाभी आप ठीक तो हो ना? तो वेंग कहता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वेंग को अपने वांग जी पर पूरा भरोसा था, पर ली जुआन को ये बात कैसे पता। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आता है और कहता है, ह्यूमन क्लैन से कोई जियांग चा यहाँ आए हैं और सेकंड प्रिंस की वाइफ से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही वेंग जियांग चा से मिलने के लिए जाने लगता है। जियांग चा की हालत बहुत ही ख़राब थी। वेंग उसे देखकर घबरा गया और बोला, वेंग। और तभी जियांग चा रोने लगता है। वेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जियांग चा बोला, वेंग जल्दी घर चलो, सिचुएशन ठीक नहीं है थोड़ा। ये सुनकर लीशिन बोला, लेकिन सेकंड प्रिंस की वाइफ ऐसे नहीं जा सकती हैं, हमें उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा, बताना होगा। अब वो आपके सिस्टर नहीं हैं, वो हमारे सेकंड प्रिंस की वाइफ हैं। जियांग चा तो रोता ही जा रहा था। वेंग ने कहा, लीशिन मिंगजो तुम दोनों लानवांग जी को बता देना कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो परेशान ना हो और ना ही वहाँ आए, मैं एक दो दिन में घर वापस आ जाऊँगा। लीशिन वेंग को रोकना चाहता था, पर वो जानता था कि वेंग उसकी नहीं सुनेगा। वेंग क्लैन के पैलेस से जाने से पहले वेंग ने जो पेंडेंट वांग जी ने दिया था वो उसे निकाल कर लीशिन को दे देता है और कहता है कि ये पेंडेंट वांग जी को दे देना, क्योंकि शायद मैं इसे संभाल नहीं पाऊँगा। वो वांग जी से बिना मिले या बात किए नहीं जाना चाहता था, पर वो मजबूर था। उसकी फैमिली भी तो थी ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उसकी फैमिली। वेंग के जाने के बाद लीशिन मिंगजू के साथ जल्दी से वांग जी के रूम तक जाता है और कहता है, सेकंड प्रिंस प्लीज़ बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। वांग जी न जाने आज इतनी गहरी नींद में क्यों था, पर उसे ये नहीं पता था कि जागने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।